इतनी अपसेट क्यों है? मैं टीसी लेकर कॉलेज छोड़कर जा रही हूँ। टीसी? रुक रुक, क्यों, क्या हुआ? विक्रम की हैरेसमेंट ज्यादा हो गई थी। पापा ने प्रिंसिपल से कंप्लेंट भी की थी, पर कल रात को विक्रम घर आया था। कौन है आप लोग? प्रिंसिपल से कंप्लेंट तूने की थी? हाँ, की थी। ए, क्या कर रहे हो? पापा, एजी, क्या हुआ? विक्रम, ए, मुंह खुला तो मार डालूंगा। मैं परवाना हूं, शम्मा जलेगी तो परवाना आएगा और उसे बुझा जाएगा। खूबसूरत लड़की पैदा करके तेरा बाप बोलता है छेड़ो मत। तू क्या है? अगर शेर के सामने शिकार रखेगा तो क्या देखता रहेगा? वो उस पर अटैक करेगा। दोबारा मेरी कंप्लेन की ना, तेरा बाप नहीं रहेगा। भाई, अमृता ने अपनी फ्रेंड्स को सब कुछ बता दिया। विक्रम, उसने अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता दिया। बोला था ना किसी को कुछ मत कहना, फिर भी बोल दिया, ये क्या कर लेगी? विक्रम, बिहेव योरसेल्फ, ये सही नहीं है। तू क्यों बोल रही है? तेरे घर आऊं क्या? तेरे घर आऊं? बुलाऊं? बोलना। बोलना, आओ ना। बोल। hey, अपने भाई को कोई मार रहा है। भाई लोग, विक्रम को कोई मार रहा है। चलो चलो, थैंक यू सो मच। बाय द वे, आई एम स्वीटी। साइड प्लीज। गुंडागर्दी मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली है। मैं अभी पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। पुलिस को? पता है ये लोग कौन हैं? चक्रवर्ती ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम सुना है? हाँ, ये वर्कर्स हैं। क्या? ओनर्स। ओनर्स? स्टाइल भले ही वर्कर्स जैसा हो पर दिल बहुत बड़ा है। शाम होते ही ये लोग क्या करते हैं जानती हो?
और 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 इतना ठीक है ना? पापा ऑमलेट रेडी है। ला 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 ला। जियो मेरे लाल। देसी घी का ऑमलेट। कैसा है पापा? सुपर मस्त बनाया बेटा। सही है। ले भाई तू भी खा, मजा ले। ये क्या पी रहा है? सॉफ्ट ड्रिंक? अरे सोमरस पी। नो पापा, मेरे लिए यही ठीक है। बाप बेटे साथ में पीते हैं? शराब पीना गलत बात नहीं है, शराब पीकर बहकना गलत बात है। ये आप कैसे कह सकते हैं? पापा आप खाना खाएं? भजिया। चलिए फ्राई भजिया डाल डाल, नींबू निचोड़ अच्छे से। लियो साहब। ले भाई ले, खा ले खा ले। अरे तेल कम है, तेल कम है, खा ले खा ले खा ले। मजा आ रहा ना? सुपर। ले भाई नींबू ले, नींबू ले। अगर कोई हमारी हेल्प करे तो उसे थैंक्स कहना चाहिए, कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, और इनके खिलाफ तो बिल्कुल नहीं। सर मेरी बेटी का कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ना? हाँ हाँ, पैसे जमा कर दो, एडमिशन हो जाएगा। अच्छा गोस्वामी जी, जी सर, अश्वेत नारायण वाला फंक्शन कितने बजे और कहाँ है ये पता करके मुझे बताइए, मैं दिल्ली से आते ही सीधा फंक्शन में चला जाऊंगा। ओके सर। कुछ काम है क्या? नहीं नहीं सर जी, चलते हैं बस। अब कौन है वो जिसने तेरी ये हालत बनाई है? डैडी, मुझे चक्रवर्ती और उसके बेटों ने मारा है। चक्रवर्ती और उसके बेटों में इतनी हिम्मत कब से आ गई? किसी के घर जाकर जबरदस्ती लघु शंका करेंगे तो पिटेंगे ही ना। क्या गोस्वामी जी, आप भी बच्चा है, अभी बड़ा नहीं हुआ, इस उम्र में गलती नहीं करेगा तो क्या आपकी उम्र में करेगा? मैंने गलत कहा? नहीं नहीं सही कहा। बेटा मार खा के कोई हीरो नहीं बनता, जवाब देने वाला हीरो बनता है। इत्मीनान रखो, टाइम आने दो, बदला लेंगे सही वक्त आने पर आएगा। ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आएगा। तू जा पार्टी कर जा। क्या मामू, 12 के बजे चेहरे पे ये क्या है? ये क्या, मेरी साइड प्रोफाइल छापी? कितना मोटा लग रहा हूँ, वेट कम करना पड़ेगा। बेकार फोटो है। पहले लड़ाई करते हो फिर फ्रंट पेज पे फोटो छपवाते हो, ये लड़ाई क्यों किया है? वैसे झगड़ा किस बात का है? झगड़ा क्या है, शादी किसकी है ये बिना जाने आशीर्वाद देकर आ जाते हो? ओ बाप रे, तुम तीनों में से किसी एक को प्रॉब्लम हो तो तीनों जाके लड़ाई करके आ जाते हो और कहते हो कि कुछ नहीं हुआ, ये क्या बात हुई? झगड़े से याद आया, अरबल्ली जी गगन की कार में रॉड रखवा देना, काम आएगा। जी सर। क्या रॉड? कॉलेज जाने वाले लड़के को किताबें देनी चाहिए और आप उसे रॉड दे रहे हैं। मामू है ना। थैंक्स पिता, तुम्हारा एहसान मैं कैसे चुका। अरे अंकल आप कैसी बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो तो कॉलेज नहीं छोड़ते, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऑल द बेस्ट। तुम्हारी वॉच है, एक्चुअली ये खराब हो गई थी, मैंने इसे ऑनलाइन रिपेयर करवाया है। थैंक यू। तुम्हारी फाइट को मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दिया है, 6 मिलियन व्यूज मिले हैं। एक चाइनीज ने तो मुझसे पूछा कि ये कौन सा स्टाइल है, कुंग फू या कराटे, तो जानते हो मैंने क्या बोला, ये साउथ का स्टाइल है। अच्छा जब तुम फाइट करके घर जाते हो तो मम्मी कुछ नहीं बोलती? मेरी माँ नहीं। हेलो, तुम इस पे लाइन मार रही हो, वेस्ट है।
ये दीवार की तरह है जिसपे लिख सकते हैं बात नहीं कर सकते। ये बाउंसर बन सकता है, बॉयफ्रेंड कभी नहीं। ये तो लड़की को देखता तक नहीं है, ये है देशद्रोही। अगर लड़की को नहीं देखा तो देशद्रोही कैसे? हाँ, लड़कियाँ घर में पूरी तरह से सीधी बन के रहती हैं, बाहर आते ही क्लासी, ट्रेंडी, स्टाइलिश हो जाती हैं। बोलो क्यों? Why? क्यों? ऐसे लड़कों के लिए। और तो और, प्रोटीन शैम्पू, मल्टीविटामिन कंडीशनर, हेयर स्प्रे, हेयर जेल, आईब्रोज की थ्रेडिंग, आईलैशेस का मस्कारा, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, पेनफुल ब्लैकहेड रिमूवल, फाउंडेशन पैक, फेस पैक, शोल्डर पैक, डेंटल पैक, पेडिक्योर, मैनीक्योर, वैक्सिंग, धूप में सनस्क्रीन और पानी में वाटर रेजिस्टेंट। क्यों करते हैं ये सब? ताकि लड़के हमें देखें। इन्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि हमें कितना इरिटेशन होता है, फिर भी स्किन टाइट जींस पहनते हैं हम इनके लिए। इसके बाद भी अगर ये हमें नहीं देखेंगे, कॉस्मेटिक्स की सेल नहीं होगी, पार्लर का बिजनेस ठप हो जाएगा, कपड़े की दुकान में लेडीज नहीं होंगी, फैशन डिजाइनर्स भूखे मर जाएंगे, प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होगी, जीडीपी डाउन चला जाएगा और सेंसेक्स की तो बुरी तरह से वाट लग जाएगी। अब तू ही बता, ये देशद्रोही है या नहीं? मेरे हिसाब से जो लड़का मंडे टू फ्राइडे दिल लगा के काम करेगा और सैटरडे संडे अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्चा करेगा, वही लड़का टिंच है। प्यार करता है तो करेगा। मेरा दिल इस पे आया, इसके पीछे भाग भाग के मेरी 12 जोड़ी चप्पल घिस गई, पर इसका दिल नहीं घिसा। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है पर इसने कभी भाव नहीं दिया। अब तो घर वालों ने लड़का भी देख लिया, 3 दिन में एंगेजमेंट है मेरी, फिर तो मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगी, इसलिए पब में पार्टी दे रही हूँ। तुम सबको आना है, ठीक है? और तुम ऐसे मुंह लटका के मत आना, ओपनली हैप्पीली एंजॉय करना। मेरे पापा और भैया भी आएंगे। हाँ, भैया और पापा भी पब में आएंगे? मैम, हमने सोचा था पार्टी में ऐश करेंगे, ढिंचा करेंगे, मजे करेंगे, खूब पिएंगे, पर मूड ऑफ हो गया। क्या हुआ? ऊपर से वो गगन अपने फादर को और अपने भैया को लेके आ रहा है। यह पार्टी नहीं, भाषण होगा। अंकल, मैंने सोचा था कि अगर आप लोग पार्टी में आएंगे तो यहाँ पार्टी से ज्यादा एडवाइसेस होंगी। देखो बेटी, औरतें जो होती है ना, उनका दिल बहुत बड़ा होता है, उसमें ढेर सारा प्यार होता है, बहुत सारी ममता होती है, उसका खुद का अभिमान होता है, माँ बाप के दिए संस्कार होते हैं, ढेर सारी भावनाएं होती है। घर को स्वर्ग बनाने में औरत एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, इसीलिए औरत का दर्जा बहुत बड़ा होता है। हमारे समाज को औरत की भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, समझी ना? चलिए अंकल, अब खाना खाते हैं। यहाँ चलो, तुम्हें एक स्पेशल डिश खिलाता हूं। इलियो साहब, आपका फेवरेट भजिया। हाँ? भजिया? ये भजिया नहीं है, बॉडी का इंस्टेंट रिचार्ज है। अंकल, आजकल भजिया खाने का ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड? तुम लोग तो डिस्को में पिज्जा और बर्गर खाते हो और बाहर निकलकर बनारसी पान। तुम लोग चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाओ,
लेकिन माँ नजर उतार के ही भेजती है। गाड़ी भले ही बिलायती हो लेकिन फिर भी नींबू मिर्ची और नारियल फोड़े बिना तुम गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते ही नहीं हो, है कि नहीं? सही कहा। लेकिन अंकल आप तो ये कहीं भी खा सकते हैं, फिर रोड पे ही क्यों? क्या है बेटी, अगर ये सब खाना हम इनके यहाँ से नहीं खाएंगे तो इन बेचारों का घर आखिर कैसे चलेगा? मेक इन इंडिया नहीं, मेक दिस इंडिया। चलो। लो। थैंक यू, थैंक यू। भाई तुम लोग भी आ जाओ। लीजिए। और लो, साहब सबको खिला। अरे तुम लोग खाओ। अंकल। सारे फादर्स आपकी तरह क्यों नहीं होते? आज देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन अश्वित नारायण वर्मा की बेटी की एंगेजमेंट माइनिंग किंग महेंद्र वर्मा के इकलौते बेटे राजेंद्र वर्मा से होने जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दो फैमिलीज एक हो रही है। ग्रेट डॉटर। और ये रहे माइनिंग किंग महेंद्र वर्मा और साथ है उनके बेटे राजेंद्र वर्मा। आज देश के दो सबसे बड़े परिवार एक होने जा रहे हैं। नमस्ते, कांग्रेचुलेशंस। अरे भाई रसम शुरू करो। वर्मा जी, अश्वित नारायण जी की बेटी को अपनी बहू बनाने से आपका दर्जा और ऊंचा हो गया है। थैंक यू सर। इस अवसर पर आपको बधाइयां। गोस्वामी जी, यस सर। पीएम विदेशी दौरे पर है, नहीं आ पाए, पर उन्होंने शुभकामनाएं भेजी। ये बातें तो होती ही रहेंगी, मेहमानों की खातिरदारी तो कीजिए। What's going on, man? The Queen's Crown official, dude. Cheers. It's just another fact of life for me, really. Drop of a hat, the drop of a rap, the drop of a beat. You might have listened to and thought was fat. At the drop, and chop it up and make you feel the groove. Watch him chop it up and make you feel so rude. Watch him make you break it down. The music will just ooze. The music will just ooze. Excuse me. Excuse me, sir. थैंक यू। चुनाव खत्म होते ही आपका काम हो जाएगा। अंकल, जस्ट अ मिनट। ओके पापा। चल। देखा आपने, ससुर दामाद में क्या तालमेल है। मेरा बेटा बहुत स्मार्ट है। क्या बात है। जस्ट हैव अ लुक अंकल। Sorry to say uncle, but I just got it. ये किसने भेजा? मेरे security ने, वो उसे जानता है। इसे और किसी ने देखा? No, no uncle, just me and my security. टकराने से हुई, जिसमें उनके बॉडीगार्ड की भी मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही पुलिस हमें सूचित करेगी। महेंद्र जी वर्मा है, आपके बेटे की खबर सुनी, बड़ा अफसोस हुआ। ईश्वर आपको हिम्मत दे और उसकी आत्मा को शांति। बाय द वे, ये एक्सीडेंट दरअसल मैंने ही करवाया।
मेरे पास एक वीडियो लेकर आया जिसमें तुम्हें खैर लड़के के साथ दिख रही थी। जरा सोचो, अगर ये इन्फॉर्मेशन मीडिया में लीक हो जाती तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती, इसीलिए खत्म कर दिया उसे। अगर तुम्हें किसी से प्यार था तो एंगेजमेंट करने से पहले मुझे बताना चाहिए था। वो ब्रेकअप हो गया था डैडी। ब्रेकअप उसकी ओर से हुआ? ये घर, फैक्ट्री, जमीन जायदाद जो भी मैंने कमाया वो लुट जाए तो दोबारा हासिल कर सकता हूं, लेकिन इज्जत लुट जाए तो दोबारा हासिल नहीं हो सकती। इज्जत लुटवाने के लिए तुम्हें पैदा किया था। सौ साल पहले मेरे परदादा ने इस खानदान के मान सम्मान और मर्यादा को मेरे दादा को सौंपा, और मेरे दादा ने मेरे पिताजी को, और मेरे पिताजी ने मुझे सौंपा, जिसे मैंने अपने खून के कतरे की तरह संभाला। और तूने उस मान प्रतिष्ठा को एक ही झटके में नीलाम कर दिया। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? यार उसने मेरी टेक्स्ट बुक मांगी थी लेकिन मैंने मना कर दिया उसको। हाय गगन। हाय। तुम फ्री हो? कॉफी? चल भाई, लेक्चर शुरू हो गया है। चलिए। लो ना। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ पापा। बेटा कहाँ है? मैं स्वीटी के साथ थोड़ी शॉपिंग करने आया हूँ पापा। अच्छा, जब तू आए तो बाजार से सोडा लेते आना, घर में खत्म हो गया है, पीने में मजा नहीं आएगा। चखना भी लाता हूँ। पापा से कुछ नहीं छुपाते? मैं पापा से कभी झूठ नहीं बोलता। कभी नहीं? तुम्हारे घर चले? हेलो पापा, मैं अकेला घर नहीं आ रहा हूँ, स्वीटी भी आ रही। अरे बेटी आ जाओ आ जाओ, हमारे गगन को जूते कपड़े दिलाने वाली तुम ही हो ना? गगन? आप लोग बातें करो, मैं अभी आता हूँ। अरे हमारा गगन कुछ ज्यादा ही शर्मिला है, तुम आओ मेरे साथ, मैं घर दिखाता हूँ। ये रहा इस घर का बेडरूम। थ्री बेड्स? क्यों? ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। हाँ? इसलिए एक साथ सोते हैं। ये घर का बार रूम है। तीन बॉटल्स डेली खत्म होती है और दोपहर तक सोते रहते हैं। तो हेल्थ का क्या?
ओह उसके बारे में बात नहीं कर सकते, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। आओ मेरे साथ, मैं दूसरा रूम दिखाता हूँ। ये है वॉर रूम, यहाँ पे वो सारे हथियार हैं जिनसे चोर उचक्के और आतंकवादियों का मुकाबला किया जा सकता है। वैसे तो ये आत्मरक्षा के लिए है, पर ये लोगों की मदद के लिए ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। वैसे इन्हें सिर्फ बहाना चाहिए किसी को मारने का। ये है गगन की माँ, जब तक ये जिंदा रही यहाँ सब कुछ ठीक था। इन्होंने इस घर को वाकई स्वर्ग बनाकर रखा था। ये लोग दिल के बहुत अच्छे हैं बेटी, रास्ता भटक गया और इन्हें सिर्फ एक संस्कारी लड़की की जरूरत है। कैसी बेटा, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग बेटा। क्यों बेटा, मामू तुम्हें पका तो नहीं रहे ना? चलो बैठ के बात करते हैं। आओ बैठो। ये क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा, रात को सोडा की बोतल खोलते समय ढक्कन यहीं रह गया, सफाई नहीं करते, यूजलेस फेलोस, जाके फेंक दो इसे। जी साहब। बिना सोडे के शराब पीने में मजा ही नहीं आता मुझे, कुछ टेस्ट ही नहीं आता। ये लड़की से शराब की बातें क्यों कर रहे हैं? ये सब बातें छोड़ो, तुमने कुछ लिया? कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस? आप मुझे पसंद तो करते हैं ना? बहुत ज्यादा बेटा, क्या हुआ? थोड़ी लिबर्टी चाहिए। ले लो ले लो, अरे तुम्हारा ही घर है बेटा। थैंक यू। मामू ये क्या कर रही है? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक बूंद शराब नहीं बचनी चाहिए, सब गटर में बहा दो। और ये सारा सामान कबाड़ वाले को दे दो। ये लाइसेंसी गन है मेरी, बहुत काम आती है, बहुत महंगी है, एक तो रहने दो। ठीक है, आप सिर्फ इसे रख सकते हैं। मामा जी ये आपकी जिम्मेदारी है। पूरी जिम्मेदारी। गगन आज से अंकल सिर्फ दो पैक पियेंगे, उससे ज्यादा नहीं, समझ गए? ये तुम देखोगे। सारे सर्वेंट्स किचन में आ जाइए। आज से आप सबका पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। सो मेन्यू चेंज, बाहर का खाना बंद, आज से सिर्फ हरी सब्जियाँ, गोभी, कैरेट, बीटरूट, ऐसा ही हेल्दी खाना घर में बनना चाहिए, समझ गए? ये डाइट आपको मेंटेन करनी है। और हाँ मैं रोज आकर चेक करूंगी, ओके? अंकल प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आप हेल्दी रहेंगे तो सब लोग खुश रहेंगे, इसीलिए ये सब किया। अरे ये चेंज बहुत ही अच्छा है, तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई बेटा, आती जाती रहा करो। ओह डैडी दिल्ली से आए हुए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे चलना होगा। अरे तुम पहली बार आई हो, कुछ खाकर तो जाओ। मैं कल ही खा लूंगी, अभी मुझे जाना होगा, प्लीज। गगन लेट्स गो, बाय। ऐसी लड़की इस घर की बहू बननी चाहिए। गगन मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में मम्मी नहीं है, पर भैया ने शादी क्यों नहीं की? भैया का प्यार सफल नहीं हुआ। उस लड़की की शादी हो गई? नहीं तो? तो अब हो जाएगी। तुमने सोचा तुम शादी की बात करने आओगे और मैं मान जाऊंगा? मेरे जिंदा रहते तो ये शादी नहीं होगी। अंकल प्यार करना गुनाह है क्या? गुनाह की बात मत करो प्लीज, हमें एक चप्पल भी लेनी होती हो तो चार जगह इंक्वायरी करते हैं हम, और अपनी बेटी की बिना इंक्वायरी के शादी कर दूंगा क्या? और इंक्वायरी की बैड रिपोर्ट मिली, फ्लैशबैक लाइव देख लो। क्या बड़ी, यही है ना? हाँ पापा। अच्छा है, लड़का अच्छा है। अगर आपको पसंद आया तो शादी करवा दे। अभी सिर्फ देखा है, करोड़ों का मालिक है, कंपनी को प्रॉफिट दिलाता है, अच्छी बात है, अपने पिता का बिजनेस में हाथ बटाता है, ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन मेरे सूत्रों ने बताया है कि ये एक नंबर का उल्लू कपट्टा नालायक। ये बेटे को नालायक बोला? बेटा इन्हें इतना मत मारो, उन्हें उस जगह पर फाइज है, मत मारो। शांत हो जाओ, इन लोगों को ऐसे गुस्से के दौरे पड़ते रहते हैं। उस जगह पर मत मारो, दर्द हो रहा होगा, कहीं और मारो, मत मारो। अरे मारना बंद करो, वरना इनके लिए डायपर खरीदने पड़ेंगे। बस कीजिए साहब, बस कीजिए, खुद पे कंट्रोल रखिए। अरे नारायण साहब गुस्सा थूक दीजिए, आप परेशान मत होइए, चलिए मिलके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज? मुझे इतना धोने के बाद कॉम्प्रोमाइज? तशरीफ को कहीं रखने लायक नहीं छोड़ा। कॉम्प्रोमाइज चाहते हो तो पहले मुझे सॉरी बोलो। सॉरी बोल दो, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सॉरी बोल जाएगा, हमसे सॉरी बोल पाएगा? इतनी अरे ये तो फिर से शुरू हो गए। अरे आप फिक्र मत कीजिए, दौरा खत्म होने वाला है। अरे सब एक साथ मारोगे तो सहन नहीं कर पाएंगे, एक एक करके थोड़ा थोड़ा मारो ना, ऐसे मारोगे तो ऊपर चले जाएंगे।
बीमार टाइसन जैसी। बेटे ने पीछे दारा सिंह की तरह मार दिया। लुंगी पहनने में भी 5-5 घंटे लग जाते। एक तो इन्हें पायल्स है, ऊपर से उन लोगों ने इन्हें इतना मारा जैसे महिला संगठन वाले लड़की छेड़ने पे मारते हैं। इतना पिटने पर भी ऊपर नहीं गए। बेटी वो लोग इंसान नहीं है, यमदूत हैं। अगर लड़के का बाप मरता तो भी चलता बेटी, लेकिन होने वाले दामाद ने भी धो डाला। ऐसे घर में तुम ही बताओ मैं कैसे अपनी बेटी की शादी कर दूं। मेरा भरोसा कीजिए, ये लोग बदल गए हैं। ये कोई 1500 के नोट है बेटी जो बदल जाएंगे। गगन इधर आओ, हाथ फोल्ड करो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, स्माइल करो, शेक हैंड करो, सॉरी बोलो, पीछे आ जाओ। देखा कितना बदल गया है, आप भी आजमा लीजिए अंकल। रहने दो बेटा, आजमाने के लिए लुंगी ही काफी है बस। अंकल बगैर औरत के घर ऐसा लगता है जैसे कोई वीरान जंगल हो, और इनके घर में तो कोई औरत ही नहीं है। सोचिए ये लोग कैसे रहते होंगे। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी जगह कोई और होता तो अब तक लड़का देखकर शादी भी कर दी होती, पर आपने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए अब तक गगन के भैया का इंतजार किया है। आप सच में ग्रेट हैं अंकल। इतना सब होने के बाद भी ये अपने भाई के प्यार के लिए आपके सामने सिर झुका के खड़ा हुआ है। ये भाई के लिए इसका प्यार है। शादी के लिए हाँ कर दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे भरोसे पर अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हूँ। थैंक यू स्वीटी। Don tagina tagata tim tagina tom don tagina tagata tim tagina tom don tagina tagata tangata tagina tom tagina tagina taiya don tagina tagata tim tagina tom don tagina tagata tangata tagina tom don tagina tagata tim tagina tom tangata tangata taiya नहीं लिया। कोल्ड ड्रिंक इधर आओ। आंटी आप लेंगी? नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए, इनकी पायल ठीक होने तक मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगी, ऐसी मैंने माता से मन्नत मांगी है। ठीक है। अरड़ा जम के हंसी उड़ा, उसने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पूछी थी और तुमने पूरी मेडिकल रिपोर्ट दे दी उसे। हाय मिस्टर शिवनारायण। हाय। आपको पायल्स की बीमारी है ना? बी केयरफुल, तीखा मत खाना। मेरा पायल्स ना हुआ गुड मॉर्निंग का मैसेज हो गया, तुमने व्हाट्सएप के मैसेज की तरह सबको फॉरवर्ड कर दिया। मायके वालों को तो अब तक बताया नहीं। हाय अंकल, आपने कुछ क्यों नहीं लिया? जूस जूस no, no, अरे जूस पीजिए ना, हेल्दी जूस है। कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे बताइए। ओके अंकल, हैव फन। पता है ये इस घर की होने वाली छोटी बहू है। ये इस घर की होने वाली छोटी बहू है। ये कैसे खड़े हो, हाथ नीचे करो। जोड़ी अच्छी लग रही। कभी हंस भी लिया करो। स्माइल। अरे गगन। हाँ? देखो अंकल बुला रहे हैं, जाओ जाओ, जाओ ना। हाँ पापा। देखो स्वीटी को देखो। ये लड़की सबकी खुशियों का ख्याल रखती है, इसकी आंखों से कभी आंसू मत बहने देना। वादा करो मुझसे कि तुम इसे खुश रखोगे। एक भी आंसू नहीं बहेगा जिंदगी भर नहीं। अंकल चलिए ना, वहाँ शादी हो रही है, आइए चलो ना, वहाँ शादी हो रही है और आप तो यहाँ खड़े हैं। Thank you.
बेटी ये शादी शादी नहीं एक बड़ा त्योहार बन गया तुम्हारी वजह से। शादी संपन्न हो चुकी है अब हम भी चलते हैं बेटी। अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग, आज बहुत खुशी का दिन है, आज एक फैमिली दूसरी फैमिली से मिल गई है, आज तो खुल के पीना चाहिए। अंकल आज कोई लिमिट नहीं है, सारा अरेंजमेंट हो गया है, मिर्ची भजिया है, सोडा है, सब कुछ रखा है, ठीक है ना? ओके तो मैं चलती हूँ। इस समय कहाँ जाओगी, रात के 2 बज रहे हैं बेटा। अंकल पापा घर में वेट कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे फोन आ चुके हैं, अब मुझे जाना ही होगा तो मैं निकलती हूँ, कल आऊंगी ना। गगन मुझे ड्रॉप कर दो ना। बाय अंकल। स्वीटी इधर आना बेटा। क्या अंकल आप कब से इमोशनल हो गए, मैं कल आऊंगी ना, अब मैं जाऊं। चलें बाय। मैं बहुत थक गई हूँ। तुम्हारे पास कोई और एक्सप्रेशन नहीं है क्या? चलो स्वीटी, मेरी लाइफ भी इतनी कलरफुल होगी मैंने कभी सोचा नहीं था, और इसकी वजह तुम हो। थैंक यू सो मच। बड़ी गाड़ी है, पार्टी भी बड़ी लग रही है। ए, नीचे कर। कौन है? क्लासमेट है सर। तो फिर कार में ट्यूशन खोल लिया क्या? कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है? एग्जाम लेता हूँ, उठाओ उसको। क्योंकि ये बहुत थक गई है। ऐसा क्या पढ़ा है? क्या रे पुलिस वाले को आंखें दिखाता है? तेरे साथ है या रास्ते में कहीं से उठाया है इसको? उठाओ उसको। ए हीरो आवाज कशाला वाड़ो तो। ए मारने को आ रहा है क्या बाहर? अच्छे अच्छे रोमियो को रुलाया है मैंने। टिक्के में क्या छुपाया है रे? स्वीटी घर आ गया क्या? सॉरी गगन, मैं रुकना चाहती थी पर अब मैं चलूं। गगन पुलिस वाले का क्या करोगे? क्या सोच रहे हो मेरे राजा? कोई मुझे कुछ बोलेगा तो क्या करोगे उसका? मार डालूंगा। पहले तुम जाओ। ये रहा हमारी नई डील का प्रोजेक्ट, डायमंड हाईवे, India's most prestigious project, length 10,000 kilometers, cost 1,60,000 crores. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मुंबई से लेकर कोलकाता तक, ये प्रोजेक्ट पूरे देश को कनेक्ट करेगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट को टाइम पर खत्म करते हैं तो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे एशिया में हमारी कंपनी नंबर 1 होगी। डैडी, वी हैव अ सिचुएशन। क्या है? आपने अर्जुन पवार का नाम सुना है डैडी? अर्जुन पवार द लिकर किंग ऑफ इंडिया, इंडिया में 60% शराब का बिजनेस उसी का है।
Come to the point. वो इस प्रोजेक्ट में हमारा कॉम्पिटिटर है। इसमें गलत क्या है? आने दो उसे। उसका आना सही नहीं है डैड। हमें मटेरियल सप्लाई करने वाली सारी कंपनियों को उसने खरीद लिया है, हमारे चार इंजीनियर्स को भी खरीद लिया है, उनमें से एक ये रहा। हम उसके टारगेट है डैड। पवार हमारी कंपनी के पहले से बैकबोन रहे हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जेपी से भी मिला था। ये प्रोजेक्ट हम आपको नहीं दे सकते। कारण? आपका बैकग्राउंड। और क्या है वो? किलिंग, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, कोर्ट केसेस और लिकर का बिजनेस। शराबियों को हम हाईवे पर नहीं घूमने देते, तो आप शराब बनाने वालों को कैसे आने दे सकते हैं? यस, यू आर राइट, 100% राइट। लोग मेरा नाम सुनकर डरते हैं। मेरे हाथों में पावर है, पैसा भी बहुत है। जो नहीं है वो है रेस्पेक्ट। बस उसके लिए ही इस फील्ड में आना चाहता हूँ। लेकिन आप तो आना चाहते हैं एक बहुत ही बड़े प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट में, लेकिन आपके उस प्रोजेक्ट में आने से उसकी प्रेस्टीज खत्म हो सकती है। खत्म नहीं होगी वो प्रेस्टीज। आपकी एक बेटी है और मेरा एक भाई है, दोनों की शादी करा देंगे, फिर एक हो जाएगी आपकी और मेरी प्रेस्टीज, और फिर ये प्रोजेक्ट खुद ब खुद मेरे पास पहुंच जाएगा। यू आर टॉकिंग टू मच। सिक्योरिटी क्या होती है मैं दिखाता हूँ। यहाँ कुछ लोग रास्तों पर चलते हैं और कुछ लोग रास्ते बनाते हुए चलते हैं, मेरी तरह। देखो, मैं बस मीटिंग के लिए आया हूँ तो कितने लोग मारे गए सोचो। अगर दुश्मनी करोगे तो लाशें ही लाशें होंगी। बाय द वे, ये मेरे भाई हैं, ये मुझसे छोटा और ये सबसे छोटा, आपका दामाद। ससुर जी विशम। हाय ससुर जी। ओ, खून शह। खून से शुरू हर संबंध बहुत मजबूत होता है, कोई नहीं तोड़ सकता। कल मिलो ससुर जी। अपनी होने वाली वाइफ से मिलो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ। ओके। जेपी साहब, प्रेस्टीज से ज्यादा जान की कीमत होती है। मेरे लिए जान से ज्यादा प्रेस्टीज की कीमत है। नमस्ते सर। उस पवार का भाई आ कब रहा है? कल आ रहा है, देख लो। अब जाके कर ले शादी। हमारा ये प्रोजेक्ट हाथ में लेते अश्वेत नारायण वर्मा डिस्टर्ब हो गया है। हमने उसके इंजीनियर को डराया था, पर उसने अश्वेत नारायण वर्मा को कंप्लेन कर दी। हमें अंदाजा भी नहीं था कि वो हमसे ऐसे बदला लेगा। ये उसके लड़के ने किया है। वार्निंग दिया तो वॉर स्टार्ट कर दिया। वायलेंस उसके लिए मजबूरी है, लेकिन मेरा शौक है। बताता हूं, दोनों को बताता हूं। यहां क्यों बुलाया? बैठो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल जब तुमने मुझे ड्रॉप किया, तब से ही सोच रही हूँ कि तुम्हें कब मिलूंगी, कब ये बताऊंगी। हाँ पापा, मैं क्लास में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। मामू, क्या हुआ? अपने बेटे को सच में प्यार हो गया है, पता है? स्वीटी के साथ पढ़ाई कर रहा है। बोलो। तुमने अपने पापा से झूठ बोला? बोलो ना। गगन, मेरी लाइफ में सब कुछ है, फिर भी लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। मुझे लगता है कि वो मिसिंग तुम हो।
तुम आ जाओगे तो मेरी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आई लव यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। स्वीटी। हाय डैडी। यहाँ क्या कर रही हो बेटा? डैडी माय फ्रेंड गगन। हाय गगन, हाउ आर यू? गुड सर। डैडी वो एक्चुअली ये क्या बेटा, चलो घर चलकर बात करते हैं ना। चलो ओके आ जाओ। सिट। टू कॉफीज विद स्नैक्स क्विक। फील एट होम। हाँ बेटा, आज संडे तो नहीं था, फिर क्लास क्यों नहीं गई तुम? वो आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है डैडी। ओ, एग्जाम के बारे में? लाइफ के बारे में। लाइफ के? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बेटा शादी? तुम्हारा नाम गगन है ना? यस सर। बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। कौन सी इंडस्ट्री? चक्रवर्ती ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं डैडी। अच्छा अच्छा, वो रोड पर बैठकर भजिया खाते हैं, बाजार में गुंडों की तरह घूमते रहते हैं और स्टूडेंट्स को लकड़ी से मारते हैं, सड़क पर शराब पीकर लुढ़क जाते हैं, कहीं वही तो नहीं है? वही है सर। ऐसी हैबिट्स वालों को कहते हैं गुंडे, मवाली, लोफर, शराबी, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। Am I right? Maybe sir। इंसान के सिर्फ अमीर होने से कुछ नहीं होता, संस्कार भी चाहिए। डैडी रुक जाओ बेटा, ये शादी की बात हो रही है। क्या तुम अपने आलिशान कार को किसी झोपड़पट्टी में पार्क करने वाली हो? इसलिए तुम बीच में मत बोलो, मुझे बात करने दो, दो मिनट। I'll come back to you। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं सर। तो मैंने जो कहा सच कहा ना? सर, पापा ही आपसे बात करेंगे। Shut up, shut up! मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बेटा मैंने आज तक सिर्फ एक ही सपना देखा है और वो यह है कि जब तू बड़ी होगी तेरी शादी किसी इज्जतदार खानदान में करूंगा। और आज तुमने इस लड़के से मिलवाकर मेरे उस सपने को चकनाचूर कर दिया बेटी। आज मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहने में शर्म आ रही है। डैडी मेरी बात तो सुनिए डैडी, एक बार। चुप करो, नाटक मत करो, डोंट एक्ट स्मार्ट। मैं सब जानता हूं, आजकल की लड़कियां माँ बाप को कहकर जाती हैं फ्रेंड के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ, लेकिन वो फ्रेंड के साथ पढ़ाई करने नहीं, बाजार में कुल छर्रे उड़ाने जाती हैं। घर से किसी फंक्शन के लिए निकलती हैं, लेकिन फंक्शन से सीधे घर नहीं, वहां से किसी होटल या फार्म में जाकर अपना मुंह काला करती हैं वो। तू भी उन्हीं लड़कियों जैसी बाजारू हो गई है। मेरे पापा को बेइज्जत किया मैं चुप रहा, मेरे भैया को बेइज्जत किया मैं चुप रहा, मेरे परिवार को बेइज्जत किया मैं चुप रहा, पर अब मैं चुप नहीं रह सकता। आपने मेरी स्वीटी को बाजारू कैसे कहा? डैडी, गगन, प्लीज, मैं डैडी से बहुत प्यार करती हूँ, अब हम नहीं मिलेंगे, अगर हम दोबारा मिले तो मेरी लाश मिलेगी। तुम रोगी तो इसे मार डालूंगा। चलो ठीक है, मानता हूं मैं आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं, मैं पूरी तरह से गलत हूं, मान लिया। जाओ, जिससे शादी करानी है कराओ, लेकिन याद रखना, अगर मुझे पता चला कि इसकी आंख में आंसू आया तो मार डालूंगा।
जो भी स्वीटी को रुलाएगा उसे मार डालूंगा। गगन, मैंने पहली बार बनाया है, टेस्ट करके बताओ। क्या हुआ? स्वीटी कहाँ है? वो नहीं आएगी पापा। किसने रोका उसे? उसके पापा ने। बस इतनी सी बात? सिर्फ रोकते तो चलता पापा, उन्होंने उसे बाजारों कहा। चल बेटा, अगर आप गए तो स्वीटी कभी नहीं आएगी, उसकी लाश आएगी। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। लड़की हमारी घर की बहू बन के आए, ऐसा हम सब ने सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या करें अंकल? गगन को कहीं दूर भेज देते। जिंदगी में पहली बार उसे किसी लड़की से प्यार हुआ है और हम उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। वो यहाँ उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। भेज दो उसे, उसे भेज दो। कहाँ भेजोगे? वाइजैग, मेरे जानने वाले हैं वहाँ पे। कौंडिन्य सगोत्रोद्भवस्या वीरेंद्र वर्म नामधेयस्या पिंड प्रदानं करिष्ये। पिंड प्रदान समये गोदान सहित दशदानानि करिष्ये। जजमान, पूजा संपन्न हुई, अब आप पिंड को समुद्र में विसर्जित कीजिए।
सामने वाले को टाइम दिया तो खुद का टाइम खत्म हो जाता है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। गगन ही हो, am I right? Yes, I'm right. Just chill, boss. सत्यम अंकल, देखिए मैंने गगन को ढूंढ ही लिया। ये देखिए, मैंने तो सोचा था कि ये बंदा बहुत cool होगा, पर देखिए कितना boring है। पर मैं इसे ठीक कर दूंगी। Speak to you later. Bye bye. Oh, by the way, my name is Mona. पैदा हुई इंडिया में, रहती हूँ अमेरिका में। तुम यहाँ first time आए हो ना? I love विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम दिल वालों और मस्तानों का शहर है। मेरी जैसी सुंदर लड़कियां यहाँ भरी पड़ी हैं। Just take a chill pill। अबे भैंसे, दिखता नहीं है क्या तुझे? Sorry। हॉर्न बजा के कहीं भी घुस जाएगा, कार में से निकाल के घुमा घुमा के मारूंगी। सॉरी बहन जी। बहन जी, तेरे पास देखने का सेंस नहीं है, मैं बहन जी दिखती हूँ? खुद तो भैया हलवाई दिख रहा है और मुझे बहन जी बोल रहा है। चल निकल यहाँ से, चल फुट। सॉरी सॉरी। करना पड़ता है, यही चलता है। गेरेन, प्यार में चोट खाए हो? लो ये पी लो बॉस। एक वक्त था जब लोग सच्चा प्यार करते थे, लेकिन अब सिर्फ धोखेबाजी। लोगों को सिर्फ इस बात में ही इंटरेस्ट है कि किस मॉल में शॉपिंग की या किस पब में पार्टी की, बॉयफ्रेंड कहां कहां ले गया। लेकिन आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बी प्रैक्टिकल बॉस, लोग 6 महीने में एक सेलफोन से बोर हो जाते हैं और उसे चेंज कर देते हैं। तो सोचो, एक बॉयफ्रेंड के साथ कैसे रहेंगे? हाँ, स्टॉप स्टॉप, रुके रुके, राइट से जाइए। मुझे लेफ्ट जाना है। ये रास्ता बंद है, राइट से जाइए प्लीज। ये पुलिस क्यों? कोई पवार नाम का आदमी है, उसके भाई का वर्मा ने हाफ मर्डर कर दिया था, तो वर्मा के बेटे का फुल मर्डर हो गया, तो इसीलिए सिटी हाई अलर्ट पर है। एक ने उसे मारा, दूसरे ने बदला ले लिया। बदला बदला खेल रहे हैं बॉस। गाड़ी पार्क कर दो। जी मैडम। आओ गगन, आओ भी। बॉस, हेलो बॉस, ये ड्रिंक पियो, फिर शावर लो और फ्रेश हो जाओ। विशाखापट्टनम का कूल बीच और ये हॉट लड़की तुम्हारे साथ है, इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है? मैं तुम्हारी सुपर होस्ट और तुम मेरे गेस्ट। गेट रेडी टू चिल बॉस। यू आर द अल्टीमेट गुरु। पहले मैं प्यार से बड़ा दूर दूर रहती थी, पर तुमसे मिलने के बाद करीब आने का मन करता है। तुमने दिल चुरा लिया। ये बताओ, तुम्हारा प्यार छीनने वाले को तुमने छोड़ क्यों दिया? चलो मिलकर उससे बदला लेते हैं।
सर। बेटे को मार दिया, अब ये मेरी बहू को ले जाने आया। हमें बचा लो। तेरे बेटे को मारकर तेरी बहू का मंगलसूत्र छीनकर उसे विधवा बनाया तेरे घर में रखने के लिए। इसे ले जाकर अपने घर में रखूंगा ताकि तेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। हट जा। तेरे बेटे को मारकर तेरी बहू का मंगलसूत्र छीनकर उसे विधवा बनाया तेरे घर में रखने के लिए। इसकी आंखों में कभी तुम आंसू मत आने देना। वादा करो मुझसे कि तुम इसे खुश रखोगे। Thank you.
इसको अंदर ले जाओ, पापा को देखो, जल्दी जल्दी क्विक। पहले उस लड़के को बचाओ। गो। की हालत बहुत नाजुक है। एक्चुअली ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग बैक। हो सकता है कि वो बच भी ना पाए, पर फिर भी वो जिंदा रहना चाहता है। कोई तो वजह है, आप उसके लिए दुआ कीजिए। कल सुबह तक मैं आप पर अटैक करने वाले को आपके सामने खड़ा कर दूंगा। इस शहर में तुम्हारा स्टाफ कितना है? 5,000। इस शहर में मेरा स्टाफ 50,000 है। I'm bigger than you and better than you. I know when to do, how to do and what to do. में आना चाहते थे और वो डिस्ट्रक्शन में चला गया। वो मरने वाला था, लेकिन उसे बचा किसने लिया? बेटा, तू भगवान का रूप है, अपनी जान पर खेलकर तूने हमारी जान बचाई। बेटा थैंक यू वेरी मच। पर ये अटैक क्यों किया था? मेरी बहू के लिए। बहू के लिए? बिजनेस करते करते हम लोगों ने अर्जुन पवार से दुश्मनी मोल ले ली। अपाइज कर दिया पापा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। थैंक यू सर। जबी साहब, हमारी रिलेशनशिप 40 साल की है। आप परफेक्शन के लिए जान देंगे, हम इज्जत के लिए जान देंगे। हम दोनों की सोच काफी मिलती है। लेट्स टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आपकी बेटी अगर हमारे घर की बहू बने तो हमारी इज्जत बढ़ेगी और इस प्रोजेक्ट की भागीदारी और मजबूत हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। थैंक यू। बहुत अच्छे, आग बढ़ने दो। जो लड़की भाई के पास रहने वाली थी वो उनके घर में रहेगी, तो इसमें खुशी की बात क्या है? अभी तो हम एक आईएएस की बेटी को उठा के लाएंगे, ज्यादा मजा नहीं आएगा। लेकिन एक बार शादी हो गई फिर वो बन जाएगी अश्वित नारायण वर्मा की बहू। उसे उठा के लाऊंगा तो लोग पवार का लोहा मानेंगे। ओ, बेइज्जत होके वो सड़कों पर पागल कुत्ते की तरह घूमेगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
शादी के मंडप में ही उसने मेरे बेटे को मार डाला। हमारे परिवार की सारी खुशियां छीन ली। उस दिन जब तुमने हम लोगों को बचाया, तब वो मेरी बहू को उठाने आया था। मेरे पति के मान और मर्यादा की लड़ाई में हमारी बहू के साथ बहुत अन्याय हुआ है बेटा। बिन मां की बेटी है वो सर। उसकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। तो फिर आप क्या चाहते हैं? अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूं। ले जाकर पवार को सौंप देंगे अपनी बेटी को? उठा के ले जाएगा वो। अब वो आपकी बेटी नहीं है, इस घर की मर्यादा है। वो यहीं रहेगी हमेशा के लिए जब तक वो जिंदा है। चाहो तो एक बार अपनी बेटी से मिल लो। जब किसी लड़की के साथ अन्याय होता है तो वो अपने पिता को बताती है, लेकिन यहां तो अन्याय करने वाला मैं ही हूं और इस शर्मिंदगी को संभालने की ताकत अब मुझ में नहीं है बेटा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो बेटा। स्वीटी मर चुकी है गगन, उसे भूल जाओ प्लीज, यहां से चले जाओ। अगर ऊपर वाला हमें आंसू देता है तो उसे पूछने की वजह भी देता है। खुल के रो लो। अगर गंगा जल से पवित्र कुछ है इस दुनिया में तो वो आंसू है, इसलिए रो, खुल के रो। अब तुम्हारी आंखों से मैं एक आंसू नहीं निकलने दूंगा। स्वीटी, चाहे इस जिंदगी में तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, पर मैं दूंगा। आई लव यू forever and ever and ever, मरते दम तक, दम तक, दम तक। इतना मैं करता हूँ इश्क मेरी जा तुमसे, तेरे लिए मैं अपनी जा भी दे दूँ, भी दे दूँ। मेरा जुनून तुम हो मेरी जान, जाना जानम, तेरी कसम मैं जान तेरा रक्षक हूँ, रक्षक हूँ। तेरी खातिर मैं छोड़ दूँ रे सब, तेरी खातिर मैं जग से लड़ू, मेरे यार मैं तेरे साथ में साएक जैसे हर दम हूँ। मैं हूँ तेरा रक्षक, रक्षक मैं हूँ रे, मैं हूँ तेरे साथ साथ मैं हूँ, मैं हूँ तेरे हर मुश्किल में मैं हूँ रे, मैं हूँ तेरा हमदम तो मैं हूँ रे।
रोना क्या है, हंसना क्या है, तुमसे मिलके यार जाना। प्यार क्या होता, दर्द क्या होता, तुमसे जुड़ के यार हमने है जाना। तुमसे इश्क ओ यारा मेरे, खुद से ज्यादा मैं करता हूँ। तू हंसे तो मैं हंस दूँ, तू जो रोए तो मैं रोऊं। मैं हूँ तेरा रक्षक, रक्षक मैं हूँ रे। मैं हूँ तेरे साथ साथ मैं हूँ। में कभी भी नहीं आते हैं तो अब क्यों आई हैं? लाइए मुझे दीजिए। शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में करना होगा। अगर किसी और मुहूर्त में काम किया तो अनिष्ट होने की संभावना है। घर में लड़की के आने से घोर अनर्थ हुआ है, आगे भी होगा। उपाय है, भगा दो इस मनहूस को, भगा दो। हम सब कल मंदिर जाएंगे उसे लेकर। अगर हम गए तो पवार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो भगवान से बड़ा है क्या? हम जाएंगे। ये कौन है? इसी ने हमें बचाया था। ये भी हमारे साथ जाएगा, वक्त पर तैयार हो जाना। तुम्हारा नाम? गगन सर। अब तबीयत कैसी? ठीक है सर। किसी अच्छे से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा लो। इफ यू रिक्वायर एनीथिंग मेरे पीए के नंबर पे कॉल कर लेना, अरेंजमेंट हो जाएगी। शॉफर जहां एक आए ले जाओ। थैंक्स फॉर सेविंग मी। मैडम फोन। पवार, लड़की को बाहर ले जा रही हूँ। तुझे वो चाहिए थी ना, उठवा लेना। डील तो याद है ना? आगे से तू मेरी फैमिली को तंग नहीं करेगा। ठीक है मैम। बार में डिस्काउंट होता है, वॉर में कोई डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। डोंट मिस अगेन, सबको खत्म कर दो। नमो नमः कृष्ण वेणि नमो नमः जय प्रभात रंग नेचरी नमः जय
वीर मंगल प्रदायिनी अमरेश्वर विजयेश्वर कोटि तीर्थवर्धिनी ब्रह्मराम्बा जोगुलाम दुर्गा मा मोदिनी वेदाचल नारसिंह तनु शीतलकारिणी श्रीकाकुल आंध्र विष्णु पाद कमल वासिनी शिव केशव रूपिणी जलश्री नारायणी हम सद्वीपस्थल सागर संगम झरिणी नमो नमः कृष्ण वेणी नमो नमः ृत्योर्मुक्तिमृतावर्धन मृत्योर्मुक्तिमृता जजमान मृत्युंजय यज्ञ संपन्न हुआ। इस यज्ञ से शत्रु का भय, मृत्यु का भय, अरिष्ट का भय, आतंक का भय, इस यज्ञ की आहुति में सभी दोषों का निवारण हो चुका है। अब आप जाकर कावेरी नदी में स्नान करें। आपके स्नान करते ही ये पूजा संपन्न हो जाएगी। आओ बेटा। कि स्वीटी मनहूस है, पर ये मनहूस नहीं है, लक्ष्मी है। अगर ये पनौती ही होती तो आपका भाई जिंदा नहीं बचता, आपके घर में कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। आप भगवान पत्थर में देखती हैं, जबकि वो इंसानियत में होता है। अफसोस।
पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि यही मेरे प्राण, मेरी आत्मा, मेरी जिंदगी है। मैंने इसे बहते आंसुओं के साथ छोड़ दिया था, पर अब मैं इसे जिंदगी भर अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज के बाद अगर किसी ने इसे दुख दिया या इसकी आंखों से एक भी आंसू निकला तो मैं उसे काट के रख दूंगा। तुम लोगों को क्या लगता है, इसे कोई ऐसे ही उठाकर ले जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे होते हुए इसे कोई छू भी नहीं सकता। हो मेरा 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 दिल तेरा है, ये तेरा ही तेरा रहेगा जब तक ये दिल धड़केगा। मैं हूँ तेरा। थामा हाथ तेरा जग से लड़के, दिल
रक्षक मैं हूँ रे, मैं हूँ तेरे साथ साथ मैं हूँ, मैं हूँ तेरे हर मुश्किल में मैं हूँ रे, मैं हूँ तेरा हमदम तो मैं रे। गला काटकर वर्मा ने बहुत बड़ी गलती की है, हम उसके खानदान को काट देंगे। भाई को जिसने मारा है वो मरना चाहिए, उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, और जिस लड़की के कारण ये हुआ उसे काट डालूंगा। सामने हमारे घर की इज्जत को उठा के ले गया और हम देखते रहे। सोचा मेरे भाई चाबाज है, वो मेरे घर की इज्जत को लूटने नहीं देंगे। लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए, हाथ पे हाथ तरे खड़े रहे। और तुम वर्मा खानदान की औलादों, तू है तुम्हारी जिंदगी पर। कुछ नहीं कर पाए तो हमारी आंखों के सामने हमारे बेटे का कत्ल कर दिया उस अर्जुन पवार ने। हमारी बहू उस लड़के के साथ भाग गई और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारी इज्जत पर हाथ डालने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I swear on my pride। मुझे अट्रैक्शन लगता था, पर असली प्यार क्या होता है ये मुझे गगन ने बताया। सुना तो था कि लोग प्यार में जान दे देते हैं, पर आज गगन ने कर दिखाया। स्वीटी, तुम्हें गगन से ज्यादा प्यार कोई और नहीं करेगा। तुम वाकई लकी हो स्वीटी कि तुम्हें गगन मिला है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी कोई गगन जैसा ही मिले। तुम्हारा प्यार महान है। अब ये सब बातें छोड़ो और अंदर चलो। आज से तुम इस घर की बेटी हो। अरे क्या
सोच रही है बेटा, चलो केक काटो। मुंह खोलो। क्या पापा, कल टेंडर की फाइनल डेट है, हमें किसी भी तरह यह मौका हाथ से नहीं गंवाना है। हमारा टारगेट टेंडर नहीं, पवार है पापा। आपकी इज्जत को हम दोनों भाई जीते जी कभी भी मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकते पापा। अब कुछ करने का वक्त है, घर पर बैठने का नहीं, वरना आपका खौफ लोगों में से खत्म हो जाएगा। आप ही कहते हैं ना, जो डरेगा वो मरेगा। आसपास वर्मा के लोग खड़े हैं, आप आए तो उठा लेंगे क्या? तुम्हारी जानकारी से उसका प्लान स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया? आधा घंटा हो गया सर। मेरा प्लान स्टार्ट हुए 6 दिन हो गए। कोई आए जाए तो वो सिक्योरिटी पोस्ट पार करना पड़ेगा, है ना? वहां देखो, अब एक बार रिसेप्शन में देखो, एक बार ऊपर देखो, अब समझ गए तुम बाहर ही रहो। रखता हूं। ओके सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत मोटे हो गए हो गोस्वामी जी। हाँ सर। यहाँ बहुत गर्मी है, एसी वाले रूम में चलते हैं। बिल्कुल सर। तुम तो जानते हो तुम्हारे भाई को किसने मारा? उसने। तुमने कहा था जिसने उसे मारा है उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या किया? तुम्हारे घर की इज्जत समान तुम्हारी बहू को तुम्हारे सामने उठाकर कौन ले गया? चक्रवर्ती का बेटा। और तुमने क्या किया? उसे जिंदा नहीं छोड़ने की कसम खाकर तुम भी बैठ गए। उसे मारा क्या? तुम्हारी ताकत और तुम्हारी इज्जत दोनों के साथ उसने खिलवाड़ किया, और तुम दोनों हो कि आपस के झगड़े में उलझे पड़े हो। खत्म करो ये आपसी झगड़ा। मार दो उसे, मामला फिनिश। अपने दुश्मन को मारने के लिए कभी टेंडर नहीं निकलता। मेरी बात मानो तो दोनों मिलकर उस लड़के को खत्म कर दो और उस लड़की को उठा लाओ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। बहुत पुराना दोहा है।
गोस्वामी जी। हाँ सर। मैंने पेट्रोल छिड़का या पानी के छींटे? पेट्रोल छिड़का है सर। पेट्रोल छिड़का ना? हाँ सर। मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि सही वक्त आने पर उस लड़के को उसकी नानी याद करवाऊंगा, और अब वो वक्त आ गया है। गोस्वामी जी, हमें मीटिंग में जाना है, चलिए। कॉफी। अरे सुनो, जब तक ये माने नहीं, इसे छोड़ना मत। छोड़ूंगा नहीं पापा। क्या बात है बेटा, चाय में शक्कर ही नहीं डाली तुमने? शुगर आपके लिए ठीक नहीं है। सर आइए ना, वहां क्यों खड़े? आप ही का घर है, गहरों की तरह क्यों खड़े हैं? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, चलता रहता है सब कुछ ना, उससे जिंदगी रुक थोड़ी ही जाती है। मैं अपनी बेटी के प्यार को समझ ही नहीं पाया, आपके बेटे को भी नहीं समझ पाया, वो तो महान है, और आपके परिवार की अच्छाइयां भी नहीं देख पाया। जब मेरी बेटी को तकलीफ हुई तो उसको बचाने के लिए आपका पूरा परिवार एक साथ उठ खड़ा हुआ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। आपको शोभा नहीं देता, वो सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी बेटी है। पापा, मानसी माँ बनने वाली है। ए, सुखी रहो बेटा। देखा आपने, आपकी बेटी के आने से कितनी खुशियां आ गई, अब तो खुश हो जाइए ना। मामू, सारे एम्प्लॉयज को डबल बोनस दे दो, घर में खुशियां आई हैं, ताकि वो खुशियां और डबल हो जाए। एक पार्टी रखो और सबको आने का न्योता दो। हाँ बेटी, आज बहुत खुशी का दिन है, आज चेहरे पर उदासी नहीं खुशी होनी चाहिए, नाचो गाओ, मेरा मतलब पार्टी, एंजॉय। बिजली हूँ, सी फॉर चिकनी हूँ, डी फॉर धासु हूँ, ए टू जेड में आइटम कमाल हूँ, जाऊँ जहाँ पे मचाती धमाल हूँ, हाय मैं जो सजूँ, जन्नत की सेज लगूँ, सबके दिलों पे मैं करती है राज हूँ, मक्खन मलाई हूँ, तंदूरी पीस हूँ, सबको बता दूँ मैं बड़ी मस्त चीज हूँ, हाय गरम गरम हलवा, जवानी का जलवा, हो आज जरा चख ले, छोड़ कितनों के चैन गए, कितनों के उए माँ, हॉटी में नॉटी, आइसक्रीम चॉकलेटी, लच्छाई देख सब उए माँ। निकलूं जिधर से मैं एक्सीडेंट करवा दूं, मैं तो हूं एक साइक्लोन।
मुझे तू एक समान, नैनों से भर तू दिल में तूफान, मैं हुस्न का दरिया हूँ, मस्ती का जरिया हूँ, ले लूँ मैं एक पल में जान। ग्लैमर तुझसे है रे, कोई ना तो तुझ जैसा रे, ब्यूटी इतनी तू है मारे, तेरी हर अदाए हाय। नींद गई कितनों की होश उड़े, कितनों के छेद गए, कितनों के उई माँ आए हाय, पार्टी में ना आइसक्रीम चॉकलेटी लल चाय देख सब उई 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 माँ होए आ 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 आओ बेटा। नहीं नहीं मुझे नहीं आना। आओ भी तुम भी ना। यही रुकिए, वहां जाके बैठिए, मैं देखता हूं प्लीज। गगन पता चला पापा को गोली लगी है, वो कहाँ है? ऑपरेशन चालू है सर। ऑपरेशन? ये हॉस्पिटल मेरा है और ऑपरेशन मैं ही करता हूँ, आखिर उनका ऑपरेशन कौन कर रहा है? भैया मैं आ रहा हूं, मैं बस एक मिनट में आ रहा हूं भैया, सांस लेते रहना। Thank you.
ही मार डालूंगा यही कहा था ना। अब देख तू खुद मुर्दा घर में खड़ा है। अभी तो मैंने शुरू किया है, खत्म नहीं किया। तेरी आंखों से आंसू नहीं सिर्फ खून निकलेगा, चल निकल। गगन वो लोग स्वीटी को अपने साथ ले गए। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी बेटी हमारी बहू बनेगी तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, लेकिन तूने तो हमारी थाली में जूठन परोस दिया और उस गंदगी को उठाने के लिए तूने उस लड़के को भेजा। मेरी इज्जत मेरी मान मर्यादा को सरेआम नीलाम करने के लिए तूने हमारे खानदान की प्रतिष्ठा को दाग लगाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। बेटी ने मरकर मेरी इज्जत बचा ली, लेकिन तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या करूं तेरा? आप भले ही मुझे और डैडी को मार दीजिए, बस गगन और उसके परिवार को कुछ मत कीजिए प्लीज। क्या मेरी इज्जत नीलाम करने वाले को मैं बख्श दूं? भैया, है कोई चीज़? उसकी वजह से आज आप जिंदा हैं। ये उसका प्यार है, मत मारिए इसे। ए बवार! जब तक वो मेरे घर की बहू थी मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन जिस दिन उसने उस लड़के का हाथ थामा हमारे लिए वो बाजारू हो गई। उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हट मेरे रास्ते से। प्लीज मेरी बेटी को मत मारिए, छोड़ दीजिए उसे। रुक जाओ भैया, अनर्थ हो जाएगा। मार डालो सर, प्लीज प्लीज रुक जाओ, खत्म कर दो उसे। रुक जाओ भैया, मैं बोल रही हूँ रुक जाओ। मार डालो उसे। कहा था स्वीटी की आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए, तुम लोगों ने रुलाया उसको, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहा था मेरा प्यार झूठा है, लाइफ में अगर प्रॉब्लम आए तो लोग लाइफ नहीं छोड़ते, लोग प्यार को ही छोड़ देते हैं, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। प्यार किया है तो पूरी तरह निभाऊंगा।
जैसा प्यार मैंने अपनी माँ से किया, अपने पापा से किया और अपने भाई से किया, वैसा ही प्यार मैं इससे भी करूंगा। मैंने कसम खाई है कि मैं इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मारना पड़े, काटना पड़े या कुछ भी करना पड़े। कोई हाथ तो लगा कर दिखाए इसे। आज तुमने इसे रुलाया, आज सब मरेंगे, एक एक करके आ जाओ। तूने कहा था मेरे पूरे खानदान को मारेगा, हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। जब जब इस दुनिया में तुझ जैसे राक्षस पैदा होते रहेंगे, तब तब उसे खत्म करने के लिए मुझ जैसे लोग पैदा होंगे। अगर मैं अपने प्यार के लिए जान दे सकता हूं तो जान ले भी सकता हूं, और आज मैं तेरी जान लूंगा। इज्जत जान लेती है और मोहब्बत जान देती है, तो बड़ा क्या है। तुम अपनी शान और शौकत, आलीशान जिंदगी, अपने गर्व और इज्जत को जिंदगी समझते हो। जानते हो मेरी जिंदगी क्या है? मेरे परिवार का प्यार, तो बड़ा कौन हुआ। तुमने सिर्फ इस लड़की को मारने के लिए अपने बेटे के हत्यारे से हाथ मिला लिया। कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? अब किस बात का घमंड है? जा, छोड़ दिया। देखो कितने लोग आए तुमसे मिलने, जाओ मिलो उनसे जाकर, सब तुम्हारे अपने। बेटा, शादी के कार्ड पर तुम्हारा नाम स्वीटी लिखना है या कुछ और? कुछ और सोचा है तो बता दो। स्वीटी। अरे वाह, क्या नाम है स्वीटी, बहुत ही स्वीट नेम है।